प्रशासन ने अपना पुलिस भी भेजा, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े ओझा वैद्य, बड़े बड़े जानकार वहां पहुंचे, कुछ ब्राह्मण देवता भी पहुंचे, सब अपना अपना दिमाग लगाए, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जांच पड़ताल किए, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। उसके पश्चात एक दिन उस रास्ते से रात्रि के समय एक संत गुजर रहे थे, तो उनको एक पत्थर की आवाज आया, तो उन्होंने अपना सर उठा के देखा, तो देखा कि एक पत्थर वहीं उनके पैर के पास गिरा है और दूसरा पत्थर तुरंत एक छत पे जाके गिरा और तीसरा पत्थर वहां सड़क के आगे गिरा, यानी कि तीन चार पत्थर गिरे। संत जी सीधा चले गए, उनको किसी आवश्यक कार्य से दूर जाना था। जब दो दिनों के बाद वो लौटे तो देखे कि गांव में चीख पुकार मचा हुआ है। उन्होंने देखा कि भाई चीख पुकार क्यों मचा हुआ है, तो वो आगे आए तो देखे कि भाई क्या हुआ है, तो ऐसे ऐसे बात है, देखिए ना यहाँ पर एक लड़का था जो मर गया है। तो कैसे मर गया, तो छत से गिर गया है। तो कुछ लोग कहते थे कूद गया है, कुछ लोग कहते थे कि मार दिया है, तरह तरह की बातें, तरह तरह का उसमें कहानियां आ रहे थे। संत ने सोचा कि चलो जो भी हुआ वो तो प्रभु के मर्जी से ही हुआ होगा, अब ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ठीक नहीं। संत जी आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चा ने कहा कि आप नहीं जानते, ये जो खाली घर है ना, उसका खिड़की खुला रहता है और गांव का जो लड़का है ना, वो रात में इस छत पे चढ़ जाता है और इस छत से इस खिड़की के अंदर प्रवेश कर जाता है और यहीं पर एक पत्थर ले लेता है और पत्थर चलाता है और पत्थर लग गया उसको शरीर पे, छत पे वो खड़ा था और उसके पास जा तो डर से जो भागा सो छत से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई एक लड़के को। अब देखिए इस तरह की घटनाएं थे। उसके पास जा वहां पर जब आगे बढ़ा वो संत, तो देखा कि भाई यहां का स्थिति बहुत मातम वाला है, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कहीं पर कोई मर जाता है तो मातम ही होगा ना, और कहीं कोई जवान व्यक्ति मरता है तो वहां और मातम होता है, बहुत चीख पुकार मच जाते हैं। उसके बाद संत जी अपने आश्रम में इस पर मंथन किया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, वहां के पुलिस अधिकारियों की अधिकारियों को इसकी जानकारी दिया। उसके पश्चात वहां पर पुलिस पदाधिकारी और अधिकारी सक्रिय हो गए और उन्होंने अपना जाल फैलाया। पता चला कि गांव के तीन चार लड़के ये खुरापात महीनों से कर रहे हैं और उसके बाद उसमें उन लोगों की गिरफ्तारियां हुआ और उसके बाद सबको जेल भेजा गया। तो ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़िए और ऐसे लोगों से बचिए और समाज को बचाइए जो अपने कुकृत में समाज में मौत का तांडव मचाते हैं। और भी बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको सबक देता है, आपको सीख देता है, आपको बताता है। अब देखिए गीता प्रेस की जो किताबें हैं उसमें तो आपको साक्षात ज्ञान का गंगा ही बहता है, उसमें बहुत ही कम शुल्क में, कम लागत में आपको प्राप्त होता है, लगभग सारा वेद और सारा पुराण उसमें प्राप्त हो जाता है आपको। तो आप कम से कम उसकी पुस्तकों को भी पढ़े। मैं कोई गीता प्रेस वाले का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं। और भी बहुत बड़े बड़े संत है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है। अरे आप मेरा नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और संतों का तो पढ़िए, और मेरा भी तो पढ़ते ही है। हमारे द्वारा भी कई पुस्तकों को देवताओं के आशीर्वाद से उनके ही दिशा निर्देश पर कई पुस्तकों को लिखा गया है, कल्याणकारी शिव स्तुति, कभी भी आपको बता दे रहे हैं सूर्यदेव है महान, और भी कई पुस्तक है, शिव की महिमा, शिव ही है संसार, ऐसे बहुत सारे पुस्तकों को लिखा गया है देवताओं के आशीर्वाद से और उनके निर्णय से और उनके दिशा निर्देश में। तो आप भी अपने कार्य को करें और कराएं और कहीं कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसका ख्याल रखें।
सड़क पर जब चले तो अच्छा से चले, अब फर के चक्कर में मौत की नींद न सो जाए। सामने से कौन आ रहा है, आप किधर से जा रहे हैं, कब दाएं चलना है, कब बाएं चलना है, कहां से घुमाना है गाड़ी को, कहां से घूमना है, कब कहां देखना है, कब कहां नहीं देखना है, इसका भी अमल करें। जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन में क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, ये भी ख्याल रखें। सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, दोपहर से पहले क्या खाना चाहिए, दोपहर के बाद क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए, सोने से पहले क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, इन सारे चीजों पर अमल करना होगा, इन सारे चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पश्चात बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, खुद को कैसे चलना है, खुद को कैसे रखना है, अपने परिवार को कैसे रखना है, समाज में कैसे रहना है, मंदिर का कार्य कैसे करना है, मठ का कार्य कैसे करना है, प्रतिमा कैसे स्थापित करना है, सारे चीज का विधान बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है कोई नया, बस वेद को पढ़ लीजिए, पुराण को पढ़ लीजिए, किसी अच्छे आचार्य से, किसी अच्छे गुरु से, अच्छे ज्ञानी से आप संपर्क कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप पता करके कर लीजिए, अब सब आप ही हैं, ऐसा तो हो सकता है। तो अपनी अहंकारता में, अपनी पाखंडता में समाज को विनाश की ओर मत ले जाइए, समाज को बचाइए, समाज आपको बचाएगा, समाज के लिए आप करिएगा, समाज आपके लिए करेगा, धर्म को बचाइएगा, धर्म आपको बचाएगा, सत्य को बचाइएगा, सत्य आपको बचाएगा, आप कानून को मानिएगा, कानून आपको मानेगा, आप कानून का पालन करिएगा, कानून आपका रक्षा करेगा। लेकिन आप जब कानून तोड़िएगा, जब नियम तोड़िएगा, जब आप कानून विरुद्ध कार्य करिएगा, तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, आप दंड के भागी बनिएगा और चारों तरफ से आप नजरअंदाज कर दिए जाइएगा, और समय आने पर अगर अधिक आपका पाप का घड़ा बढ़ गया है तो कानूनी शिकंजा भी कस जाएगा और आप काल कोठरी में चले जाइएगा, और परमात्मा का भी दंड मिलेगा आपको, ऊपर वाले ईश्वर का भी दंड मिलेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। भगवान का महिमा अपरंपार है, भगवान अगर देते हैं तो भगवान लेते भी हैं, जो देना जानता है वो लेना जानता है, और जो लेना जानता है वो देना जानता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करे, तारणहार भी वो है, पालनहार भी है, और संघारक भी है, सारे कलाओं से परिपूर्ण है भगवान, उनको कमजोर मत समझिए, क्योंकि वो ईश्वर है और वही सर्वज्ञ है, वो सब कुछ है, अपने आप को शून्य समझिए। आप सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आप अपने आप को बड़ा मान लीजिएगा, आपका सारा तपस्या समाप्त हो गया, आपका सारा अच्छा कार्य समाप्त हो गया। इसलिए आप अच्छा हैं तो हैं, आप अपने कर्मों से अच्छा माने जाएंगे, आप अपने संस्कार से अच्छा माने जाएंगे, आप अपने चरित्र से अच्छे माने जाएंगे, चरित्र ही आपकी असली पूंजी है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छाई ही आपके लिए सुरक्षा कवच है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो गलत ही आपको दुर्गति की ओर ले जाएगा, आपका विनाश करा देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपको कब क्या करना है, अगर आप कहीं भगवान का प्रसाद बना रहे हैं तो प्रसाद बनाने का भी नियम है, अगर आप कहीं किसी के बीच में भगवान का प्रसाद परोस रहे हैं तो उसका भी नियम है। गलत ढंग से अच्छा कार्य भी करना महापाप है, और वो भी आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से करिए, नियम के अनुसार करिए, नियम तोड़ के मत करिए, खुद को अधिक बलवान मत साबित करिए, क्योंकि आप सबसे बड़े बलवान नहीं है, सबसे बड़ा बलवान विधाता है, जो सभी कलाओं से परिपूर्ण है, जिसने इस संसार को बनाया है, जो आपको बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जिसने सबको भेजा है धरती पर, और समय आने पर सबको ले जाएंगे भी, तो वो सबसे बड़े बलवान है। आप
आप सबसे बड़े धनवान हैं, ये घमंड आप अपने मन से निकाल दीजिए। आपसे भी बड़े बड़े धन से हो सकते हैं। आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, ये भी आप अपने मन से निकाल दीजिए। आप सबसे बड़े ज्ञानी नहीं है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान से बड़ा ज्ञानी और कौन है? भगवान भगवान है। जब तक भगवान आपको ज्ञान दे रहे हैं, जब तक भगवान ने आपके पतन का डोल रखा है और आपको जैसे जैसे नचा रहे हैं उस तरह से आप नाच रहे हैं, तब तक तो जय जय। लेकिन जैसे लगेगा भगवान को कि नहीं, अब ये बहुत बलवान हो गया है और उसके पास जात ये भी पापाचार करने लगा है और धर्म का सत्य का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसी समय पतन का डोर टूट जाएगा और उसके बाद कहां गिरेंगे पता नहीं चलेगा, गिरने के लिए कोई स्थान भी साथ ना बचे। तो समय अगर बीत गया तो समझने से भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए समय से पहले सुधरिए, समय से पहले संभलिए और समय से पहले ही निकल पड़िए, तभी कल्याण होगा आपका, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। अगर आपके दरवाजे पर कल्याण आया हुआ है तो भी कल्याण भाग जाएगा और आप कल्याण कराने के लिए दूर दूर भटकेंगे, इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, लेकिन कहीं आपको शरण नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर अच्छा है और सच्चा है तो फिर आपको अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको एक कथा। एक स्थान पर एक पूजा हो रहा था और उस पूजा में 7 सदस्य थे और 7ों सदस्य जाते थे भिक्षाटन के लिए, तो कुछ लोग उसमें से दान ले आते थे, कुछ लोग नहीं ले आते थे। एक दिन क्या हुआ, उस पूजा कमेटी के अध्यक्ष ने बैठे तो पूछा कि भाई क्या बात है कि आप उतना दूर दूर जाते हो फिर भी कुछ नहीं लाते हो, क्या बात है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है? तो उसने कहा कि हमको कोई कुछ देना नहीं चाहता है, मेरे साथ आदमी भेजिए, मेरे साथ आदमी भेजिए, मेरे साथ आदमी भेजिए। तो अध्यक्ष ने कहा कि भाई आपने इतना साथ कैसे खराब कर लिया कि आपके साथ आदमी लगाना पड़ रहा है, आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा कि आपको कोई कुछ दे सके, अब बताइए इतना साख खराब कैसे हो गए, इतना अविश्वासी कैसे हो गए आप कि लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहा है कि आपको दान दे सके या आपको किसी अच्छे कार्य में लगा सके। आप पर सबकी दृष्टि से लोग क्यों देख रहे हैं? आप अगर कहीं विचाटन के लिए जा रहे हैं, कोई यज्ञ महायज्ञ के लिए ही, पूजा पाठ के लिए ही, कोई कल्याणकारी कार्य के लिए ही, तो आपको भिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है? आपके ऊपर सबकी दृष्टि से कुछ लोग क्यों देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? उसको आप ढूंढिए, तलाशिए और उसको दूर करिए। जब तक आप इसको दूर नहीं करिएगा तब तक आपका कल्याण कतई संभव नहीं है। अब आप दूर दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर भटक रहे हैं, फिर भी आपके पास दान नहीं आ रहा है, भिक्षा नहीं मिल रहा है, लोग आपका सराहना नहीं कर रहे हैं, लोग आपका प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, लोग आपको उस योग्य नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जरूर कहीं ना कहीं आपने साख खराब किया है, जरूर कहीं ना कहीं क्या विश्वास तोड़ा है आपने। तो विश्वास के योग्य बनिए, विश्वास ना टूटे इस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप पर भी लोग विश्वास करें और आप अगर कहीं भी जाए तो काफिला बन जाए और जहां भी जाए कारवा बन जाए, अगर आप जो कहें उसे लोग अटल सत्य मान जाए, ऐसा बनिए, इस योग्य बनिए। इस तरह का मत बनिए कि आपको भी ये कहना पड़े कि मेरे साथ आदमी भेजिए, हमको कोई कुछ देना नहीं चाह रहा है, कहां कोई कुछ दे रहा है। एक गांव में 4 यज्ञ के लिए गाड़ी जाते हैं कभी कभी, और उस 4ों यज्ञ वाले को दान मिलता है, और कभी कभी किसी गांव में एक ही गाड़ी जाता है तो उसको लोग दान नहीं दे पाते हैं। आखिर क्यों? क्या लोग देना नहीं चाहते हैं? जी नहीं, लोग देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो विश्वास आपने बनाया नहीं है। जो लोगों को वो विश्वास चाहिए, आप अगर गांव का कल्याण चाहते हैं तो आपको उस कल्याण के योग्य बनना पड़ेगा, आपको उस कल्याण की ओर गांव को ले जाना पड़ेगा।
आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस गांव का कल्याण करना चाहता हूं। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो आपने जो किया है वही सबको बता देगा कि हाँ ये तो गांव का कल्याण करता है, ये सदा अच्छा कार्य करता है। अन्यथा आप बड़े बड़े डिग्री दे दोगे, बड़े बड़े प्रमाण दे दोगे, तो उससे आपको आपका जो किया हुआ कार्य है वो आपका ढक नहीं जाएगा। आप ही के साथ चले आपकी परछाइयां, या वो नेकी या वो बुराइयां, आपके साथ आपका परछाई चलता है कि आप अच्छा काम किए या बुरा काम किए। अगर आप अच्छा काम किए तो आपके साथ साथ चलेगा, अगर आप बुरा काम किए तो भी आपके साथ साथ चलेगा, साया बन के चलेगा। ये मत भूलिए कि आज आपने कहीं गलत कार्य किया है तो वो समाप्त हो गए, ये मत सोचिए कि आपने अच्छा कार्य किया है तो वो समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है। आपने जो किया है वो अमर है, सिर्फ आप अमर नहीं है, आपका कर्म अमर है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे शहर है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर आपको किसी किसी को बड़े बड़े डिग्रिया लगा रखे हैं, बड़े बड़े डिग्री का बोर्ड लगा रखे हैं अपने पास, लेकिन उनको ठीक से इलाज करने नहीं आता, उनको ठीक से उपचार करने नहीं आता। और डिग्री देखिएगा तो विदेशों का है और वो सुविधा शुल्क पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन को भी चाहिए कि वो कार्रवाई करे जो लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। ऐसे लोग शहरों में, बहुत सारे शहरों में है जिनको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, है ऐसे झोला छाप डॉक्टर। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहना पड़ेगा और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से सतर्क रहना पड़ेगा। ये झोला छाप डॉक्टर खुद की कमाई के आड़ में और खुद की कमाने के चक्कर में प्रतिदिन सब किसी ना किसी के जान से खेलते रहते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मौत होती है। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की कमी शहरों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना दुकान खोल रखा है। पृथ्वी लोक पर डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन वो कुछ लोग जो है डॉक्टरी की आड़ में दानवी प्रवृत्ति के हैं, वो बेड पर सुधार के भी पैसे लेते हैं, गहने उतरवा लेते हैं, मंगल सूत्र तक उतरवा लेते हैं, जमीन में छुआ देते हैं और उसके बाद मर जाता है वो आदमी, तो लाश को तब देते हैं जब उनका सारा पैसा वहां भुगतान हो जाता है और वो जानते भी नहीं है इलाज करना। और जब पैसा जब मिल जाता है तो उस मुर्दे को वहां से दे देते हैं। ऐसे पापी लोगों को भी भयानक दंड देते हैं ईश्वर, वो बकसते नहीं है। और अगर कानून के किसी अच्छे कुशल योग्य सुयोग्य अगर अधिकारी को पता चल जाता है तो फिर उनके हाथों में तो हथकड़ी निश्चित है, क्योंकि अच्छे अधिकारी और पदाधिकारी न डरते हैं, न झुकते हैं, न बिकते हैं और न गुमराह होते हैं। अच्छे पदाधिकारी जो होते हैं वो किसी से डरते उड़ते नहीं है, न बिकते हैं, न झुकते हैं, न डरते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अगर उनको कोई गुमराह भी करेगा तो गुमराह नहीं होते हैं, वो सच्चाई को समझते हैं। तो अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है, अच्छे पदाधिकारियों की कमी नहीं है, और वो हैं, वो कार्य करते हैं समय समय पर। तो इन सब से भी सावधान रहना पड़ेगा। आपको कैसे लोगों से इलाज कराना है, आपको कैसे के संगति में जाना है, आपको किस प्रकार का कार्य करना है और कैसे कैसे आपको इस धरती पर एक एक कदम रखना है, आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए। आठ पहर है रात और दिन, रात में लोग सोते हैं लेकिन चोर चूहा जो है रातों में ही निकलता है और कहीं ना कहीं जेबों में कैंची लगाता है, चुपके से भी चोरी करता है और डाकू लोग दिखा के डका डालते हैं। तो चोर डाकू में ही अंतर है, कुछ लोग तो आंखों में धूल झोंक देते हैं और बस सच को झूठ, झूठ को सच बना देते हैं और उसके बाद ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा।
और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, भारत में एक रेलवे स्टेशन है जहां पर कुछ रेलवे पुलिस है, वो अपने आप को बहुत बड़ा हकीम समझते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन तो करेंगे नहीं, अब सब्जी वाले से, खुंचा वाले से सब उसे पैसा वसूली करते हैं। भारत में एक ऐसा स्टेशन भी है, अब ढूंढिए उसको, खोजिए, मैं इस व्यासपीठ से बताऊंगा नहीं, लेकिन क्या उस पर सुधार नहीं होना चाहिए, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? उस पर सुधार होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और यहां तक कि वो पुलिस पदाधिकारी भाई जो है, जो रेलवे पुलिस में है, वो उनका जो स्थान बनाया गया है रहने का, जो हम रहते हैं क्वार्टर में, जिसको आप डेरा कहते हैं, वहां तो सारे सब्जी वाले और तस्करों का वहां अड्डा होता है। अगर वहां पुलिस पदाधिकारियों ने अगर छापा मारा तो समझ जाइए कि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके मोबाइल का जांच किया गया तो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनकी संगति पंगति किनसे? आपके संगति पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप गलत लोगों के संगति में हैं तो समाज आपको देख रहा है और आपको उस समय से गुप्त सूचना नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज तो देख लिया कि नहीं तो खुदे माफिया के जोड़े हैं, खुदे दलाल के जोड़े हैं। इसको तो अगर कुछ भी बताएंगे तो ये तो सबको बता देगा और हत्या भी हो जाएगा। इसलिए ऐसे पदाधिकारी अगर समाज में है, अगर कहीं भी है, किसी थाने में है या कहीं रेलवे पुलिस में है या कहीं है, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए या उनकी क्रियाओं पर सुधार होना चाहिए। समाज से अगर जुड़ेंगे आप और अगर आप अच्छाई के कार्य में चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो आपसे पूरा समाज जुड़ जाएगा। आप एक दलाल के चक्कर में है, एक माफिया के चक्कर में है, तो आपसे पूरा समाज कट जाएगा। ये बात सही है क्या? वर्दी के धौस दिखा करके आप कुछ भी कर ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई गले से नीचे नहीं उतार रहा है। तो मन में स्थान ग्रहण कीजिए। मन में बहुत सारे आईएएस और आईपीएस हैं जिनके जाने के बाद भी लोग उनका गुणगान करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके जाने के बाद भी उनका गुणगान करते हैं और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो उनके कार्यों के कारण कर रहे हैं, ये आपके कारण नहीं कर रहे हैं, उनके कारण नहीं कर रहे हैं, मेरे कारण नहीं कर रहे हैं। उनका कर्म ही प्रधान है, कर्म ही उनको पूजा के योग्य बना दिया है, जो उनके जाने के बाद भी उनका गुणगान हो रहा है। अब आजकल देखिए, मैं आपको बता दूं, एक फैशन बन गया है कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, कुछ प्रखंडों में, कुछ थाना क्षेत्रों में, कि वहां कोई भी अगर कार्य होगा तो ढिचकू ढिचकू डीजे जरूर बजेगा। और एक चीज जान लीजिए, क्या किसी पुराण में लिखा हुआ है कि शादी को तो डीजे बजाओ? क्या किसी पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कहीं किसी जगह का, किसी पूजा का, किसी यज्ञ का, किसी महायज्ञ का, या कहीं का किसी कलश स्थापना का अगर शोभा यात्रा निकलता है तो उसमें डीजे बजाओ? कहीं लिखा हुआ है? डीजे फसाद का जड़ है, यह पूरे प्रकृति को अव्यवस्थित और अनियंत्रित कर देता है। मैं बता रहा हूं इसका कहानी, जिन लोगों को सुर का पता नहीं है, ताल का पता नहीं है, वो अपने गानों में क्या करते हैं, इतना म्यूजिक डलवा देते हैं, इतना उथल पुथल डलवा देते हैं, जिससे सबका सब सुनने वाले भी बीमार हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, सुर राग और रागनिया आपको एक मार्ग से जा रहे थे, उसी बीच में नारद जी ने कहा कि हे राग रागनी मुझे गाना सुनाइए। तो राग रागनी ने गाना सुनाया, अपना धुन बजाया, पूरे प्रकृति में प्रसन्नता आ गई, जितना भी प्रकृति में धूलकण थे, प्रदूषण थे, सब दूर हो गए। इतना अच्छा वातावरण बन गया कि उसका मैं वर्णन करते करते थक जाऊंगा। लेकिन उसी समय एक बेसुरा उसी रास्ते से आ रहा था। नारद जी ने कहा कि तुम भी गाना सुनाओ।
बेसुरा ने अपना गाना गाना शुरू कर दिया। पूरे प्रकृति में उथल पुथल मच गया। कहीं पेड़ टूटने लगे, आंधी बहने लगा, तूफान आने लगा, तो कहीं धूल कण भरने लगा, तो कहीं महामारी फैलने लगा। अब जो है नारद जी ने कहा त्राहिमाम रुको रुको, तब तक तो चारों तरफ फैल चुका था। अब देवाधिदेव महादेव को स्मरण किया गया, उसके पास जाकर विष्णु जी को स्मरण किया गया, ब्रह्मा जी को स्मरण किया गया, सभी देवी देवताओं को स्मरण किए नारद जी ने। उसके पास जा ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि इसका निदान स्वयं महादेव करेंगे। फिर महादेव ने क्या किया, एक गाना गाया, राग रागिनियों को प्रकट किया, तब जाके सारा विपत्ति समाप्त हुआ और फिर अच्छा वातावरण बन गया। तो इन सारे चीजों का पड़ताल कीजिए कि इन धुनों से क्या होता है। आप जो बोलते हैं वो अमर हो जाता है, आप जो धुन बजाते हैं वो पूरे पृथ्वी पर गूंजता है ये वायु में ये तरंग, और इसी से आपको अगर अच्छा नहीं है तो अनियंत्रितता फैल जाता है। आप देखते होंगे कहीं कहीं किसी किसी बारात में क्या होता है कि डीजे बजा रहा है, डिच्छू उसी में कुछ लोग अश्लील गाना, ये गाना बजाओ, तो वो लगते हैं ये गाने पहनना चाहिए ये बजाओ, उसके बाद में ताना तानी शुरू हो गया और उसी में जो है सो बस खुशी का माहौल, दो मिनट में चाकू चल गए, गोली चल गए, बंदूक चल गए, मार कुछ हो गए, लाश गिर गए, बस खुशी का माहौल मातम में बदल गया। क्या बजा है सर बाजा बजाने से भाई, हाँ अरे अच्छा गाना बजाओ, और गाना नहीं है क्या पृथ्वी लोग पर, अच्छे अच्छे गाना तो है कीजिए जोर करके, हाँ ये ढिचू ढिचू क्यों बजाते हो भाई, आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो उसमें आप ऐसे बाजा बजा रहे हो, हाँ डीजे के धुन में आप बहुत सारे ऐसे गाने लगा देते हो जो गाने सुनने योग्य नहीं है। अगर कोई वृद्ध है, अगर कोई बीमार युक्त है तो डीजे के धुन में वो लोग डर जाते हैं, ऐसे बहुत घटना घटते हैं, ये आप जान लीजिए। डीजे बहुत सारे फसाद का जड़ है, डीजे प्रकृति को अनियंत्रित कर देता है, डीजे जो है आपको विवाद में घसीट देता है, डीजे अगर शादी समारोह में आप रखे हैं, डीजे अगर आप किसी पूजा त्योहार में रखे हैं और अगर आप वहां पर कमान नहीं संभाले तो आपको मैं बता दे रहा हूं वहां का परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको बहुत बुरा परिणाम मिलेंगे, ये आप जान लीजिए। और ऐसे घटना घटित होते हैं, अखबारों में देखिए, टीवी चैनल्स में देखिए, बड़े बड़े समाचार पत्रों में चलता है, आजकल तो पोर्टल न्यूज भी आते रहते हैं मोबाइल पर भी इस तरह की घटनाएं। अभी तो आपको मैं बता दूं भारत के एक राज्य में फैशन हो गया है कि वहां पर कोई भी कार्य होगा तो वहां पर आपको बता दे अश्लील नृत्य अवश्य होंगे और उसमें जो है कोई ना कोई पिस्तौल अवश्य गोली अलग चलाते हैं और कई जगह तो मौत भी हो गया वहां, लेकिन फिर भी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रहा है, इस पर भी बड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। उस राज्य के जो मुख्य पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे नृत्य क्यों हो रहे हैं। अब आप पूजा कर रहे हो, आप जवाब दो, आप पूजा कर रहे हो या फिर ये असली नृत्य करा रहे हैं, आखिर आप क्या करना चाहते हो, क्या किसी वेद में किसी पुराण में ये वर्णन है कि पूजा के आड़ में आप इस तरह की अश्लीलता फैलाए, ढोंग करे, पाखंड करे, डीजे बजाए, इस तरह का कार्य करे, कुकृत करे जहां पर आपको मौत का तांडव बह जाए। पूजा का मतलब है शांति, यज्ञ का मतलब है शांति, भाईचारा, प्रेम, अच्छाई, सात्विकता, पूजा का मतलब ये है, न कि पूजा का ये मतलब है कि आप क्या कीजिए गांव को बांट दीजिए, समाज को बांट दीजिए, अश्लील गाना बजाने लगिए, अब जगह जगह पर पापाचार फैलाने लगिए, पूजा का मतलब ये नहीं है। पूजा का मतलब है अच्छाई, सच्चाई, सात्विकता, पवित्रता, आस्था, निष्ठा और कल्याण, यही पूजा का मतलब है, यही यज्ञ का मतलब है। कलश यात्रा निकालते हैं, कितना मेहनत लगता है, कितना श्रद्धा लगता है उसमें, कितना आस्था लगता है, कैसे निकालते हैं कलश यात्रा सभी जानते हैं, वो कन्याएं तपी रहती है, कई कई कन्याएं तो उपवास पर रहती है, कुछ कन्याएं फलाहार पर भी रहती है, वो नियमों का पालन करती है, जो सक्षम ज्ञानी आचार्य होते हैं वो सारे नियम बता देते हैं, जो अच्छे संत होते हैं
वो सारे नियम बता देते हैं। यज्ञ से पहले कलश यात्रा का प्रधान मान प्रधानता माना गया है, कथा से पहले भी कलश यात्रा का प्रधानता माना गया है। अन्य कई कार्य होते हैं, कई कई प्राण प्रतिष्ठा भी होता है प्रतिमाओं का, भगवान के देवस्थान का, तो वहां भी कलश यात्रा को प्रधानता मानते हुए कलश यात्रा कराया जाता है। उस कलशे को आप क्या करते हैं, जगमंडप में सजाते हैं, उसमें एक एक कन्याओं का आस्था भक्ति श्रद्धा भाव और पवित्रता छुपा हुआ है। उस कलशे में आपको देवताओं का आशीर्वाद और देवताओं का और देवियों का कृपा छुपा हुआ है। साक्षात वो देवी और देवताओं स्वरूपा कलशा है। और आप जब वो कलश यात्रा में चलते हैं तो आपके उस कर्म से और उस क्रिया से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कलश यात्रा का मतलब कि कार्य आरंभ हो गए और वो कलश रखा गए, यानी कि पूजा आरंभ हो गया, और वो कलश ही सबसे बड़ा प्रधान है और कलश पूजा ही सबसे बड़ा उत्तम पूजा है। उस कलश यात्रा में गांव को जोड़ा जाता है, समाज को जोड़ा जाता है, एक एक कन्याओं को जोड़ा जाता है कि कलश यात्रा करना है, और गांव के लोगों को जोड़ करके कलश यात्रा किया जाता है। अगर उस कलश यात्रा में दूर दूर के लोग भाग लेते हैं तो सबका एक मन एक विचार होता है, और उसके बाद कलश यात्रा निकाल करके पूजा का और यज्ञ का शुभारंभ किया जाता है। और अब आदमी को सदा धर्म पथ पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कब क्या करना है आपको, किस समय कहां जाना है, किस समय किसके साथ क्या बात करना है, ये कार्य आपको नियम अनुसार करना है। कभी कभी आपकी संगति और कभी कभी आपका जो भोजन ग्रहण करने का जो तौर तरीका है वही आपके जान पर पड़ जाते हैं, और आप मौत के मुंह में कभी कभी अपने संगति के कारण और पंगति के कारण और भोजन के कारण भी आप चले जाते हैं। आपका कार्य है अच्छा कार्य करना, आपका कार्य है सत्य वचन बोलना, आपका कार्य है सात्विकता और पवित्रता के साथ साथ चलना। अगर आप सत्यता पर हैं, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर आप अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई बाल बकार नहीं कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप भोजन किस प्रकार से कर रहे हैं, भोजन में आपको क्या क्या ग्रहण करना है, आप बाजार में जाइए, आप देखिए कितना मिलावटी सामान बिक रहे हैं आजकल, इतना मिलावटी सामान बहुत सारे बाजारों में मिलते हैं कि जिसको अगर आप भोजन में ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर को बीमार युक्त बना देगा। फिर लगिए डॉक्टर के यहां दौड़ने, आप तो ऐसा कुछ मत खाइए जिससे आप रोग आपके पूरे शरीर को जकड़ ले, आप ऐसा कुछ कार्य मत कीजिए जिससे आपका शरीर जो है आप बीमार युक्त हो जाए, आप कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे आपका विनाश हो जाए, आप अच्छा कार्य करिए और सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए। अगर आप सच्चाई का रास्ता छोड़ देते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते हैं, अगर आप धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का रास्ता नहीं छोड़े और सत्य का रास्ता आप कभी नहीं छोड़े। एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है, मानव जीवन को सदा साकार और सार्थकता की ओर ले जाने की ओर प्रयास करें। आपने देखा होगा नदियों को वो समुद्र में मिल जाते हैं, आपने देखा होगा एक वृक्ष को आप देखिए, वृक्ष की टहनियों को देखिए, वृक्षों के पत्तों को देखिए, आप लताओं को देखिए, पर्वत को देखिए, पहाड़ को देखिए, आप बड़े बड़े
आचार्य को देखिए, बड़े बड़े गुणवानों को देखिए, कुछ सीखिए, कुछ समझिए और तब चलिए। अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपके लिए वो गलत कार्य आपके लिए जंजाल बन जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप अच्छा कार्य अगर कर रहे हैं, सच्चा कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो आपका ये कर्म ही आपके लिए पहचान बन जाएगा और आपका कृति अर्जित हो जाएगा। इसलिए सच्चा कार्य करिए, अच्छा कार्य करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी के प्रति आप जलिए मत। अगर पड़ोस में कोई अच्छा गाड़ी खरीद लिया है तो खुश हो जाइए, अगर पड़ोस में अच्छा मकान बन गए हैं तो खुश हो जाइए। अब कुछ लोग तो अगर कहीं मकान बनवाने लगा तो कुछ लोग कहते हैं अब इससे वो थोड़े हो जाएगा, इससे अभी छत नहीं डलाएगा, इससे अभी दीवार नहीं जुड़ाएगा, अब तो इससे रंग पोचाड़ा भी नहीं होगा। अरे ये क्या बात है भाई, कर वो रहा है, करेगा वो, आपसे क्या ले रहा है। कुछ लोग सुझाव देने आ जाएंगे, ऐसे कीजिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे की ऐसे कीजिए। तो सुझाव अगर अच्छा है तो उसको आप स्वीकार लीजिए, अगर सुझाव अच्छा नहीं है तो उसको आप मत स्वीकारिए, क्योंकि वो आपको भरमा रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जब अच्छा कार्य करने चलिएगा तो आपका टांग खींचेगा, अब आप ऊपर चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, अब पीछे से आपका टांग खींच रहा है, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इन सारे चीजों से आपको दूर रह के, नजरअंदाज करके आपको अपने मंजिल को पाना है, और जो मंजिल को पा लिया वही सबसे उत्तम विजेता है। तो अगर विजयी प्राप्त करना है तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और सत्यता पर चलना है, अच्छाई पर चलना है, सात्विकता के साथ जीना है। कहा गया है कि बहुत सारे जगहों पर अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि मेला लगा हुआ है, उस मेला में नाना प्रकार के लोग होते हैं, नाना प्रकार के विचार वाले उसमें मानव होते हैं, और उसी मेला में कुछ दानव भी चले जाते हैं। अब देखिए, भगवान का तपस्या दानवों ने भी किया और भगवान का तपस्या देवताओं ने भी किया, तो देवताओं ने धर्म की रक्षा के लिए किया और दानवों ने अपनी अहंकारता के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, दूसरों को तंग करने के लिए किया, दूसरों को तबाह करने के लिए किया, तो उनका विनाश हुआ। आप दुर्गा पूजा करते हैं, नवरात्रा साल में कई बार आता है, लेकिन प्रसिद्ध रूप से एक गुप्त नवरात्रा भी है, और आपको बता दे रहे हैं चैत नवरात्रा और एक आता है आपको आश्विन में नवरात्रा, और भी आपको नवरात्रा है जिसे विधि विधान से करने वाले करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चैत और आश्विन नवरात्रा को धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं ये बताइए, ये सभी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्यों मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि महाशक्ति महामाया दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने तेज से उत्पन्न किया और पापी राक्षसों के आतंक से आतंकित होने के बाद उसको विनाश के लिए उन्होंने क्या किया, अपना अपना अस्त्र और शस्त्र प्रदान किया, और उसके पश्चात वो महादेवी दुर्गा कहलाई और दुर्गा को राक्षसों के नाश के लिए आदेश दिया गया, और दुर्गा सभी देवताओं की सलाह और त्रिदेव और त्रिदेवियों की शक्ति से और सभी देवताओं और देवियों की शक्ति से सुसज्जित होकर वो कई असुरों का नाश की। उसके पश्चात उनका नौ स्वरूपों में नौ देवियों का पूजा नवरात्रा में होता है, श्रद्धा पूर्वक होता है। तो उन्होंने धर्म का साथ दिया, अधर्म का नाश किया, उन्होंने साधु संतों को साथ दिया, उन्होंने राक्षसों का नाश किया, उन्होंने जो भी उनका भक्ति किया उनको धन
भाव वैभव ऐश्वर्य उन्नति तरक्की संतान और भी बड़े बड़े शक्ति सिद्धि सब कुछ दिया उन्होंने। तो वो है दुर्गा और दुर्गा रूपी महादेवी का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर निर्माण कराने का कार्य बहुत सारे जगहों पर हो रहे हैं और आगे भी भविष्य में होंगे। दुर्गा का नाम जो लेता है उसका तत्क्षण कल्याण हो जाता है। दुर्गा का कई नाम है, दुर्गा का शक्ति अपरंपार है, वो महादेवी है, वो महाशक्ति है और जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इनका पूजा करता है, इनका नाम लेता है, उनको कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए महाशक्ति का अनेकों नाम है, महाशक्ति को पूजा करने वाले कल्याण की ओर बढ़ते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, पूजा में अपार भीड़ होता है, दुर्गा पूजा करने वाले कराने वाले का सदा जय जय होता है। अब दुर्गा पूजा में अगर आप अहंकारता का प्रदर्शन करिएगा, दुर्गा पूजा में आप भक्त होने का ढोंग रचिएगा और दुर्गा पूजा में जो वास्तव में दुर्गा जी का भक्त है, जो शिवलोक से आया है, जो वास्तव में संत है, जो ज्ञानी है, जो शिव तत्व जानता है, जो महाशक्ति का प्रिय है, उसको आप अनादर करिएगा, उसका अवहेलना कीजिएगा, उसका आप अपमान कीजिएगा, भात छाटने दाल छाटने और वो गांव समाज से छाटने का अनावश्यक ढंग से आप प्रयास करिएगा अपने निजी स्वार्थ के कारण और कुछ लोगों के गुमराह करने के कारण, तो क्या महाशक्ति आपको छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में दुर्गा पूजा हो रहा था। अब उस दुर्गा पूजा में कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि उनको भी शक्ति प्राप्त करना था। आप तो देखते हैं ना कि राक्षस सब भी देवी देवताओं का पूजा करता रहता है अपना अपना ताकत प्राप्त करने के लिए, कि हमको भाई शक्ति मिल जाए तो हम पूरे गांव पर राज करेंगे, सबसे बड़ा बलवान हो जाएंगे और सबसे बड़ा धनवान हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से जो है राक्षस सब भी पूजा करता रहता है। सतयुग में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में हुआ, ये तो कलयुग है ना। तो वो यज्ञ का कार्य आपको बता, पूजा का कार्य शुरू हुआ, पूजा जो है सो हो रहा था। अब उसमें किसी को आपसी दुश्मनी था, आपस में टकराव। अब उस टकराव के लेकर के उसने अपना खून नस निकालना शुरू किया कि लड़ा दो। अब उस पूजा में जो भी पंडित जी महाराज थे या जो भी आचार्य बंधु थे, उनको तो इससे लेना देना नहीं था। वो पूजा कराए गए, अपना ये फालतू की बातों को सुनते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब आचार्य को बदला जाए। उसके पश्चात आपको बता दे, उसी गांव में कुछ तत्पुरुष भी रहते थे, अब उनको भी लोगों ने छांटने का प्रयास किया। तो भाई देखिए, अगर आपके पास दिव्य शक्ति है, अगर आपके पास वास्तव में ईश्वर का कृपा हो गया और आप वास्तव में सभी देवताओं के साथ हैं, तो मंदिर मंदिर भटकने से क्या फायदा है। आप निकल पड़िए ज्ञान की गंगा में समाज को सराबोर कराकर कल्याण कराने में। आप निकल पड़िए समाज कल्याण में, निकल पड़िए धर्म की प्रचार में, निकल पड़िए जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया है उनको महान बनाने में, उनका नाम बताने में, उनका ज्ञान बताने में, उनकी महिमा का गुणगान करने में आप निकल पड़िए। अब मंदिर मंदिर और द्वारे द्वारे तो वैसे पुरुष नहीं जाएंगे जी जो स्वयं देवताओं के साथ है, उनको तो सब मालूम है देवताओं की इच्छा क्या है और देवता क्या चाहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि हर कोई भगवान का पूजा करके कल्याण ही प्राप्त कर ले। तो ऐसा अगर होता तो ना तो दुख होता ना सुख होता, सब एक समान हो जाते। जो जिसको चाहता वो उसको मर्डर कर देता, जो जिसको चाहता वो जैसे कर लेता, सारा पृथ्वी अनियंत्रित हो जाता। तो सबका पूजा फलदायक नहीं होता। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो मंदिर तो है लेकिन प्रतिमा नहीं है, बहुत सारे जगह पर प्रतिमा है तो मंदिर नहीं है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पूजा है तो कल्याण नहीं है और बहुत सारे जगह है पूजा है तो कल्याण भी है और जय जयकार भी है।
ये सारा चीज आपको कोरोना महामारी भी दिखाया है, बहुत नजदीक से दिखाया है कि कौन क्या है, सब कुछ बता दिया कोरोना महामारी ने कि किसकी औकात क्या है। ये कोरोना महामारी ने और देवताओं ने दिखाया इस बार पूरे पृथ्वी पर दिखा दिया। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूं आगे कि पूजा होने लगा। उस समय धान काटने का समय आ रहा था। पूजा जब हुआ तो कुछ लोगों ने क्या किया, पूरे गांव में डीजे बांध दिया और पूजा के बाद कहते थे कि हम तो डीजे नहीं बजा रहे हैं। और पुलिस पदाधिकारी भी कार्रवाई नहीं करती थी, देखती थी कि भाई पूजा हो रहा है और डीजे बज रहा है तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, वो तो नियम बनाया गया है, बिहार सरकार ने इस नियम को बनाया है बिहार में कि भाई कोई डीजे नहीं बनाएगा, लिख के दे दो थाने में कि क्या क्या करना है नहीं करना है, और जिसने भी ऐसा कार्य कराया है पूर्व से ही होता रहा है ताकि कहीं कोई फसाद नहीं हो, कहीं कोई दंगा नहीं हो, कहीं कोई उपद्रव नहीं हो, सभी जगहों पर अच्छा से पूजा हो जाए शांतिपूर्ण माहौल में। देश से जो जिसने भी ये नियम बनाया है वो कल्याणकारी नियम है। अब मान के कहीं पूजा हो रहा है वहां दंगा हो जाए, वहां फसाद हो जाए, वहां हत्याएं हो जाए, वहां कोई अप्रिय घटना घट जाए तो इसमें तो सबका जनसाई हो जाता है, सब पे कार्रवाई हो जाता है। तो इन सबको रोकने के लिए सरकार ने प्रशासन ने अच्छा काम किया है, ये सराहना का पात्र है प्रशासन और सरकार। उसके बाद यज्ञ कमिटी में विद्रोह हो गया, कई फाल में यज्ञ कमिटी चले गए। उसके बाद उस गांव में कुछ लोग का भात छाटने का भी प्रयास किया गया, लेकिन गांव के लोग एक हो गए और जिनका भात छाटा जा रहा था वहां पर उनका अस्तित्व बचाया गया। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं इतना पानी बरसा इतना आंधी आया कि सारा का सारा धान का फसल खेतों में गिर गए, धान के ऊपर से पानी बहने लगा, मूसलाधार बारिश शुरू हो गया, बंगाल की खाड़ी से तूफान उठा और उसका ट्रंप लाइन उसी इलाका से बनके चला गया। क्या फायदा हुआ आप बताओ? दुर्गा जी ने तो साबित कर दिया कि भाई आपके पूजा से हम नाखुश हैं। अगर उस पूजा के बाद उस गांव का ही नहीं उस राज्य के अलावे अन्य कई राज्यों में अगर फसल क्षति नहीं होता, अगर वो तूफान नहीं आता तो समझ जाइए कि दुर्गा जी आपसे प्रसन्न है, आपके पूजा से खुश है। लेकिन आपसे दुर्गा जी कैसे खुश होगी? उन्होंने तो देखा कि इसमें डीजे बजा रहा है, अश्लील गाना बजा रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को शामिल करके रखा है जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, आप पूजा क्रम और अनावश्यक ढंग से कूटनीति और किसी का भात छाटने का, किसी का दाल छाटने का, किसी को गांव से छाटने का, किसी को नीचा दिखाने का, तो किसी को बर्बाद करने का प्लानिंग और योजना ज्यादा बनाए जा रहे हैं, तो दुर्गा जी इससे प्रसन्न थोड़े होगी। उसके बाद क्या हुआ, अजीबोगरीब हरकत होने लगे, महामारी भी विकराल रूप धारण कर लिया, चारों तरफ लॉकडाउन का स्थिति हो गए, कई कई सालों तक पूजा बंद रहे। ये मैं पृथ्वी लोक के गांव और एक राज्य की कहानी कह रहा हूं, हो सकता है ये सत्य भी हो लेकिन कहां का ये घटना है मैं बता नहीं सकता। उसके बाद फिर देवताओं का कृपा हुआ और सब कुछ खुलने लगा, लेकिन जब खुला और फिर से जब पूजा पाठ आरंभ हुए तो भी उन व्यक्तियों का कूटनीति और छल और परपंच और ठगी का कार्य बंद नहीं हुआ, उन्होंने अपना दुकान फिर खोल लिया कि भाई हमारा व्यापार का सवाल है, मेरा व्यापार चलना चाहिए, और वो 5-6 लोग 10 लोग पूरे समाज को तोड़ने लगे और अपने कूटनीति का जाल बिछाने लगे। लेकिन देवताओं को यह मंजूर नहीं था, उनका कूटनीति काम नहीं आया, पूरा समाज सच्चाई समझ गया और उसके बाद पूरा समाज एक हो गया और उन सारे कूटनीति करने वाले छल परपंच और ठगी करने वाले का अंत हो गया। इसलिए
कहीं भी किसी पूजा में बाधा तो डालिए ही नहीं। अगर आप उसमें हैं तो जितना हो सके अच्छा कार्य करिए, नियम के अनुसार चलिए, कानून के अनुसार चलिए, मर्यादा का पालन करिए, और सत्यता का तो बिल्कुल बिल्कुल सत्यता को नहीं छोड़िए, सत्यता के साथ साथ चलिए, तभी देवता प्रसन्न होंगे। हर पूजा से कल्याण नहीं होता और बहुत सारे पूजा से कल्याण हो भी जाते हैं। तो जिस पूजा में आस्था होगा, श्रद्धा होगा, भक्ति होगा, भाव होगा, आपके अंदर पवित्रता होगा, आपके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, तभी कल्याण होगा। दान लेने का भी तरीका है, दान आप अगर किसी पापी से ले रहे हैं, दान अगर आप किसी दुष्ट से ले रहे हैं, यज्ञ में सहयोग अगर किसी पापी से ले रहे हैं, तो आपका यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। यज्ञ के भी नियम है, यज्ञ कार्य के भी प्रावधान है, वो भी वेदों में वर्णन है कि यज्ञ में कैसा दान लेना चाहिए, यज्ञ में कैसा काम करना चाहिए, यज्ञ को कैसे संचालन करना चाहिए, यज्ञ में कैसे कैसे लोगों को शामिल करना चाहिए, यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, उसका मुहूर्त कैसा होना चाहिए, सारे चीजों का नियम बना हुआ है, सारे चीजों का प्रावधान बना हुआ है। लेकिन अगर आप इन सारे प्रावधानों से हट के चलेंगे तो आप कहीं गिर जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे, आपको ईश्वर दंडित करेंगे, और आप कानून के द्वारा भी अगर गैर कानूनी ढंग से कोई भी कार्य करेंगे तो कानून के द्वारा भी दंडित किए जाएंगे। ऐसा होता आया है। आप जरा सोचिए, अगर किसी पूजा में मारपीट होंगे, विध्वंस होंगे, अगर वहां उपद्रव होगा तो पुलिस प्रशासन छोड़ देगी क्या? वो तो शांति स्थापित करेगी ना, अपने कर्तव्य का पालन करेगी। अगर कहीं किसी शादी समारोह में या कहीं भी किसी कार्यक्रम में अगर फसाद होगा, दंगा होगा, जुल्म होंगे, अत्याचार होंगे, जास्ती होंगे, तो वहां भी प्रशासन अपना कार्य करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो यज्ञ इस प्रकार से करिए कि कहीं किसी भी प्रकार का अशांति ना फैले। यज्ञ इस प्रकार से कीजिए जो कहीं कोई भी कार्य गलत ढंग से ना हो। यज्ञ में ऐसा दान लीजिए जो किसी माफिया का नहीं हो, किसी दलाल का नहीं हो, किसी पापी का नहीं हो, किसी भ्रष्ट लोगों का नहीं हो, किसी असुर का नहीं हो। यज्ञ में ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो सात्विक विचारधारा के हैं।